हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। हाफ के जी है तो ये मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर डाल रही हूँ, लाइक हाफ टीस्पून। और ये मैंने लिया है कलर मिस्ट का रेड कलर, ये सुपर रेड कलर है। तो ये 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। तो इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे हम स्पून की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से। आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके, इसमें करीब करीब 1/4 कप पानी चाहिएगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना। तो धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर अपना बनाते जाएंगे जो राइट कंसिस्टेंसी का होगा। तब तक हमें पानी मिलाना है। पानी अब बहुत धीरे धीरे ही मिलाना, एकदम से मिलाओगे तो बैटर बहुत पतला बन जाएगा। तो ये नाउ बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून ऑयल। तो ये हमारा केक का बैटर बनकर रेडी है। अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने यहाँ पर 6 इंच का हार्ड शेप का टिन लिया है और उसके बीच में थोड़ा सा बटर पेपर लाइन कर दिया है। तो ये हमारा बैटर इसमें स्प्रेड कर देंगे हम अच्छे से, और इसको एक दो बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब इसको हम 180 डिग्री पर प्रीहीट करेंगे, प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे। तो ये हमारा केक बनकर रेडी है। इसको चलिए डीमोल्ड कर लेते हैं, फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। इसको पहले नाइफ़ से चारों तरफ से हम करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल इजीली हमारा निकल गया है। तो पहले मैं 1/2 kg का जो बेस था उस पर नहीं आ रहा था ये केक, क्योंकि साइडों से थोड़ा सा बाहर निकलता है उसकी वजह से, हार्ड शेप की वजह से। तो मैंने 1 kg का बेस लिया है। अब ये मैंने लिया है क्रीम चीज़, 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ है। उसमें 2 ही टेबलस्पून मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है। आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लिया है मैंने वाइट चॉकलेट। तो इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं अपना केक। ये मैंने केक बेस पर रख लिया है केक। इसको हम ऊपर से हल्का सा स्क्रैप कर देंगे। मैंने थोड़ा सा इसका पोर्शन, पतली सी लेयर निकाल ली है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं इसको सिर्फ 2 लेयर में ही कट कर रही हूँ। 3 लेयर में बहुत ही पतला हो जाएगा। तो 2 लेयर हार्ड शेप में 2 लेयर ही इनफ रहेगी। तो इसको पहले हम सोक करेंगे अच्छे से, पानी से अच्छे से इसको सोक कर लेंगे। फिर इस पर विप क्रीम, जो हमने क्रीम लिया उसमें जो हमने चीज़ क्रीम लिया थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो इसको लेयर कर देंगे। पूरा मिक्स नहीं किया था चीज़ क्रीम, वो आधा रख लिया है कि ऊपर हम इस पर स्प्रेड करेंगे। तो ये जो ऊपर एक लेयर, थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून इस पे हम स्प्रेड करेंगे। थोड़ी चॉकलेट जो ग्रेट की थी हमने वो भी डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, ये होममेड है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अब इसको एक बार स्क्रॉल कर लेंगे। अभी नाउ सेकेंड लेयर, इसको भी सोक करेंगे और क्रीम से क्रम कोट करके इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। साइडों से भी अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब अपने जो केक बोर्ड को है हम उसको क्लीन ज़रूर करेंगे। तो अब इसको सेट कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में।
नाउ ये सेट हो गया है, अब इसको आइसिंग करेंगे। तो जो हमने एक पतली सी लेयर ली थी उसको क्रम कर लेंगे हम, और उसको छलनी में से छान लेंगे जो बिल्कुल ही हमारे पास बारीक पाउडर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको हल्का सा मिक्सी में भी पीस करके ले सकते हो, लेकिन अभी जो अच्छे से हमें पाउडर मिल गया है। अब पहले हम अपने केक को अच्छे से फिनिशिंग देंगे थोड़ी सी, ये देखिए हार्ट शेप अच्छे से बना देंगे। इसको फिर से क्लीन कर लेंगे। हमें बेसिकली साइडों से ही फिनिशिंग देना है, ऊपर तो हम इस पर डालेंगे अभी। बीच में मैंने एक टूथपिक की हेल्प से एक हार्ट शेप बना दिया है, नीचे बॉर्डर दिया है मैंने शेल नोजल से, और ऐसा ही बॉर्डर ऊपर भी देंगे। तो ये हो गया, अब जो हमने हार्ट टूथपिक से बनाया था इस पर भी ये बॉर्डर दे देंगे। अब ये पाउडर इसके बीच में हम भर देंगे थोड़ा सा, जो बीच में हमने हार्ट बनाया उसमें, और स्पून से टूथपिक से इसको अच्छे से फैला देंगे। और किनारों पर सेम बॉर्डर बना देंगे। ये देखिए अभी से हमारा केक बहुत अच्छा दिख रहा है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए अभी हम इस पर चॉकलेट जो हमने क्रिएट की थी वो डाल देंगे ऊपर की लेयर पर। ये देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब साइडों में हम जो बच गया है, जो रेड वेलवेट का जो क्रम बचे थे उसको साइडों में हम डाल देंगे। सो ये देखिए केक हमारा डन हो गया है। अभी इसके ऊपर मैं कुछ लिखना है और टैग लगाना है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सो मैंने इसके ऊपर अभी हार्ड चॉकलेट से हबी लिख दिया है और इस पर एक बर्थडे टैग लगा दिया है। तो ये केक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।